नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने से लोगों में जहां डर का माहौल है, तो वहीं कई विशेषज्ञों ने तीसरी लहर की आशंका भी जता दी है। इसी बीच दिल्ली में ओमिक्रॉन का एक और केस मिल चुका है और इसके अलावा भारत में गुजरात और महाराष्ट्र से ओमिक्रॉन के कुल 2 मामले सामने आ चुके हैं और इससे पहले कर्नाटक से भी 2 केस मिले थे, जिसके बाद अब भारत में कुल ओमिक्रॉन के मामले 5 हो चुके हैं। इसके साथ ही अगर कोरोना की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 2,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। दरअसल बिहार सरकार की ओर से मौत के आंकड़े सुधारने के बाद मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं इसी बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में भी कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और डिप्टी डायरेक्टर मणिधर अग्रवाल ने ये कहा है कि जनवरी 2022 के अंतिम सप्ताह और फरवरी की शुरुआत में इस वेरिएंट से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या काफी पीक पर होगी। प्रोफेसर के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलने के लक्षण तो हैं, साथ ही ये ज्यादा घातक नहीं दिख रहा है। इस वेरिएंट के हर्ड इम्यूनिटी को वापस करने की भी संभावना है। हालांकि इसके फैलने के लक्षण ज्यादा हैं और अभी तक साउथ अफ्रीका से लेकर दुनिया भर में जहां भी ये फैला है, इसके लक्षण गंभीर नहीं बल्कि हल्के देखे गए हैं। ऐसे में IIT प्रोफेसर की रिसर्च के अनुसार भारत में इसकी गंभीरता ज्यादा होने की संभावना कम है, क्योंकि 80% लोगों ने नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। ऐसे में अगर इसकी लहर आती है तो इसका असर दूसरी लहर के डेल्टा वेरिएंट जैसा नहीं होगा। प्रोफेसर ने पहली और दूसरी लहर में भी अपनी रिसर्च जारी की थी, तब भी उनकी गणना काफी हद तक सही साबित हुई थी। तो ऐसे में दिल्ली में ओमिक्रॉन का एक मामला मिल चुका है और ऐसे में इसीलिए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि अब भारत में 5 ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं। डॉक्टर तनुराज सिरोही हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जर्नल फिजिशियन हैं। डॉक्टर तनुराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। जी डॉक्टर तनुराज, जिस तरह से अब भारत में ओमिक्रॉन के 5 केस सामने आ चुके हैं, कितनी ज्यादा गंभीरता की ये बात है और कितनी राहत की बात है, ये किस तरह से इसे लिया जाए? अब देखिए, ऐसा है क्योंकि पूरा वर्ल्ड इसको डिस्कस कर रहा है और साउथ अफ्रीका से जो इसके केसेस आने शुरू हैं, जो ये पेशेंट जो तंजानिया से लौटा है और LNJP में इसकी पुष्टि हुई है दिल्ली में NCR में, तो इसमें घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें अभी तक की जो जानकारी है, लगभग 10 दिन पुराना ये मसला हो गया है। इसमें जो भी वहाँ केसेस थे, 14 केसेस थे, उसमें मॉर्टिलिटी तो कोई है नहीं और मुझे लगता नहीं कि हॉस्पिटलाइजेशन वाले केसेस भी थे, लेकिन ट्रांसमिशन रेट इनका थोड़ा ज्यादा रहता है। तो बिल्कुल चिंता का विषय है कि होता है जी। तो देखना पड़ेगा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन में हम लोग ना चले जाए, तो चिंता का विषय है। आइसोलेशन में रखा जाए ऐसे पेशेंट को, घबराने की कोई बात नहीं है, पैनिक करने की कोई बात नहीं है। तो ट्रांसमिशन को देख करके बस जितना जल्दी ऐसे केसेस को पकड़े और आइसोलेशन में रखें, यही अभी बेस्ट पॉलिसी है। और हम आम लोगों के लिए मैसेज ये हो सकता है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें और कोशिश करें कि इंडोर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना करें। बिल्कुल डॉक्टर तनुराज, और कहा यह भी जा रहा है, कुछ स्टडीज में ये जानकारियां मिली हैं, ये बातें सामने आई हैं कि ये तेजी से तो ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलता है लेकिन इतना ज्यादा घातक नहीं है जितना डेल्टा था। बिल्कुल ठीक है ये बात, ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा है लेकिन इससे हॉस्पिटलाइजेशन कम है। जी बिल्कुल डॉक्टर, और इस तरह से ये भी दावा किया जा रहा है, एक IIT के प्रोफेसर हैं जिन्होंने ये बात कही है कि जनवरी और फरवरी की शुरुआत में और जनवरी के अंत में क्या तीसरी लहर की पीक आ सकती है? ऐसा हो सकता है, इस चीज में पैनिक तो नहीं करना चाहिए, पर क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं
और अगर साउथ अफ्रीका में देखें तो लगभग 350% की एक एक दिन में राइज हो जाती है। तो एहतियात लेने में अगर उसके लिए प्रिकॉशंस लेना तो अच्छी बात है, हम लोगों ने पहले भी थर्ड वेव को आने से बच गए थे और अगर अभी भी प्रिकॉशंस लेंगे तो बचा सकते हैं थर्ड वेव को, लेकिन प्रबल संभावना है ऐसा हो सकता है अगर थोड़ी भी ढिलाई करते। बिल्कुल डॉक्टर तनराज, यहाँ पर देखिए एक बात ये भी कहीं ना कहीं बहुत गंभीर है कि बहुत सारे लोग अभी से पिछले एक महीने में विदेशों से भारत आए हैं, ऐसे में कई लोग पॉजिटिव हैं जिन्हें आइसोलेशन में रखा गया है, 5 लोग ऐसे हैं जिनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है, लेकिन हम इस तरह से किस तरह से ट्रेस करें, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में अभी जानकारियां नहीं मिल पा रही हैं और वो लोग पॉजिटिव भी हो सकते हैं और हो सकता है कि उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट भी हो। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, ट्रांसमिशन से बचने के लिए जिससे भी संदेह हो कि ये बाहर से आया, ये कोविड हो सकता है या कोविड की रिपोर्ट है, जीनोम की रिपोर्ट अच्छी है, क्वारंटीन की उसको लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए क्वारंटीन के लिए, तो मेरे ख्याल से रोका जा सकता है। अभी तो बहुत छोटी स्तर पर है, चीज को कंट्रोल करने में सरकार के अथक प्रयास जारी है और हम लोग भी अगर कोऑपरेट करें तो चीजें रुक सकती है। बिल्कुल डॉक्टर, और किस तरह से हम छोटे बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि देखिए स्कूल भी अब खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना बहुत ज्यादा मुश्किल भी उनमें हो जाता है, तो बच्चों का किस तरह से ख्याल रखा जाए? देखिए मास्क पहनना तो अत्यंत जरूरी है, मास्क के बिना बिल्कुल काम नहीं चलेगा, और इंडोर एक्टिविटीज बर्थडे पार्टीज है या कुछ कंडोलेंस मीटिंग्स होती है या अंदर की जो मीटिंग्स होती है उनको थोड़े दिन के लिए चाहे तो गवर्नमेंट बैन कर सकती है, आउटडोर एक्टिविटीज से फैलने की संभावना कम रहती है, अंदर की जो एक्टिविटीज है जहाँ फैलने का चांसेस ज्यादा रहती है, अगर सब लोग मास्क पहने, मतलब जिसको जो इन्फेक्शन है वो भी मास्क पहने, बच्चे वाले भी मास्क पहने, तो हर जो फैलने की क्षमता है 1.5% रह जाती है। तो मास्क सबसे जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग में भी मैं कहूंगा कि इंडोर एक्टिविटीज पे थोड़ा सा बैन कर देना चाहिए गवर्नमेंट, इंडोर एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। जी चलिए ठीक है डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए तमाम जानकारियां देने के लिए। तो ऐसे में दिल्ली में ओमिक्रॉन का एक और वेरिएंट, एक मामला सामने आ चुका है ओमिक्रॉन का। ऐसे में आपको बता दें डॉक्टर हमारे साथ जुड़े थे जो तमाम जानकारियां दे रहे थे, जो लोगों से ये आग्रह कर रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बेहद जरूरी है, मास्क जरूर लगाना है और जो है ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों से हमें बचना होगा, क्योंकि लगातार ये बातें भी सामने आ रही हैं, अब के कोरोना की तीसरी लहर भी जनवरी फरवरी में आ सकती है, तो इसको लेकर पहले से ही हमें एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली में ओमिक्रॉन की दस्तक जो है वो आज हो चुकी है और एक मामला ओमिक्रॉन का मिल चुका है दिल्ली में। भारत में की अगर बात करें तो भारत में राहत की बात ये है कि अभी तक सिर्फ 5 ओमिक्रॉन के मामले हैं, लेकिन बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तरह से बताया जा रहा है काफी घातक है, लेकिन संक्रमण ज्यादा फैलाता है उतना ज्यादा ये खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसके लक्षण जो हैं वो काफी माइल्ड बताए जा रहे हैं, कि माइल्ड सिम्टम्स लोगों में अभी दिख रहे हैं और ज्यादा डेथ रेट इसमें नहीं है। सबसे राहत वाली बात यही है।